पनीर की सब्जी में टमाटर का स्वाद बहुत ही लजीज लगता है। अगर आपने नहीं चखा है तो आज की मेरी रेसिपी है टमाटो पनीर, आप जरूर आजमाएं। चलिए तो शुरू करते हैं टमाटो पनीर बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल गरम होने के बाद 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालें। जब जीरा चिटक जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसे तब तक भूनें जब तक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 1/2 शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ डालें और इसे 1 मिनट तक भून लें। अब इसमें 3 टमाटर की प्यूरी डालें, साथ में 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच शक्कर और 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई डालें और अच्छे से मिला लें और इसे तब तक भूनें जब तक मसाला तेल ना छोड़े। आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ रहा है। अब इसमें 250 ग्राम पनीर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और 1/2 कटोरी दूध डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 उबाला आने के बाद गैस बंद कर दें। ध्यान रहे ज्यादा ना उबालें, नहीं तो दूध फट सकता है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालें और अच्छे से मिला लें। स्वादिष्ट यम्मी लजीज टमाटो पनीर सर्व करने के लिए तैयार है।